हेलो फ्रेंड्स, सिंपल इंडियन लिविंग एंड रेसिपी चैनल को आपका स्वागत है। और अभी बज रहा है 7:45 और मैं अभी सोच रही हूँ आज जल्दी सा खाना बना लूँगी, क्योंकि मैं भी आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और ऐसे भी फ्राइडे है तो जल्दी सोने से कल मतलब बहुत मतलब वीकली होता है, 2 दिन सोने को मिलता है, तो इसीलिए सोच रही हूँ कि जल्दी सा खाना बना लूँ, फिर खा पी के आराम से सो जाएंगे। और मेरी बेटी भी फ्री अभी सो रही है, अभी अभी जस्ट सो गई। और मैं अभी जा रही हूँ अपने खाना बनाने के लिए। और जो 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 कुछ भी मैं सिंपल सा डिनर तैयार करूँगी वो भी आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अभी चलते हैं अपने किचन की तरफ। मैं यहाँ पे सारा सब्जी काट के रख दी हूँ गैस में, एक तरफ गैस में कढ़ाई और एक तरफ मैं कुकर रख दी हूँ, ताकि गर्म होने से मैं यहाँ पे कुकर में एक साथ छौंक लगा के दाल छोड़ दूँगी, दाल और ये वेजिटेबल्स सारा एक साथ छोड़ दूँगी। कैसे कैसे क्या करूँगी वो भी आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, आप लोग बस देखते रहिएगा। यहाँ पे मैं 2 लोग के लिए इतना ही डाल लिए हूँ, और इसको 3 पानी से अच्छे से धो के फिर उसको पीने का पानी में मैं मिला के रखी हूँ। और इसमें अभी कढ़ाई और कुकर भी गर्म हो चुका है, उसमें हम डालेंगे तेल। दोनों में एक साथ तेल डाल देते हैं। यहाँ पे मैं भिंडी को फ्राई करने के लिए डाल रही हूँ, तो यहाँ पे दाल में एक साथ तड़का लगा के छोड़ दूंगी, फिर बाद में थोड़ा सा घी मिला लूंगी। यहाँ पे मैं दाल के साथ इसको भी थोड़ा सा बॉईल कर लूंगी, ये मिक्स वेज है। इसमें है आलू और कद्दू है, ड्रमस्टिक है, बैंगन है, एक छोटा सा बैंगन, हाफ आलू लिया है मैंने दोनों सब्जी के लिए, एक आलू लिया है छोटा सा, नहीं मतलब भिंडी फ्राई के लिए हाफ और इसमें हाफ। और इसमें हम टमाटर तड़का लगाते समय टाइम ऐड करेंगे। टमाटर का हम 2 तरीके से कट के रखे हुए हैं, एक छोटा सा जो मतलब फाइनली चॉप्ड है उसको हम दाल में ऐड करेंगे, और जो रफली चॉप्ड है उसको हम मसाला बनाएंगे इसके लिए। और आज मैं बिना प्याज लहसुन का बनाने वाली हूँ, तो इसीलिए टमाटर का ज़्यादा इस्तेमाल तो होगा ही। और इसमें मैं अभी जीरा छोड़ रही हूँ, इसमें जीरा, और अभी ये जीरा थोड़ा सा फट चुका है, और इसमें हम डालेंगे ये भिंडी। भिंडी को डाल के उसको एक बार फ्राई कर लेते हैं, उसका लकलक हटाने के लिए हम उसको खुला फ्राई करेंगे। हटने के बाद उसको आलू मिला के ढक देंगे, आलू और नमक हल्दी सारा कुछ मिला के ढक देंगे। इधर भी ये भी फट चुका है, तो इसमें हम डालेंगे ये दाल। दाल के साथ मैं वेजिटेबल ऐड कर देती हूँ, ये ग्रेवी के लिए है। और इसको भी तो हम ये सब्जी भी दाल के साथ ही पकाएंगे, तो इसके लिए हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें, बस थोड़ा सा उसको पकने के लिए वाले दाल में और थोड़ा सा पानी लगेगा। दाल में भी ये वाले चॉप्ड वाले टमाटर भी ऐड कर देते हैं। टमाटर ऐड करने के बाद वहाँ पे हम अपने स्वाद के अनुसार हम नमक, यहाँ पे भी हम नमक ऐड कर दिए हैं, हल्दी ऐड कर देंगे, और अभी इसमें भी हल्दी ऐड करेंगे, और इसमें भी हो गया। तो
इसको लगा देते हैं बॉईल होने के लिए। दाल में थोड़ा सा पानी देके हम बॉईल होने के लिए लगा देते हैं। यहाँ पे हम इसको भिंडी को थोड़ा चला लिए हैं और इसमें ये लसलस फंस चुका है। अभी इसमें हम आलू ऐड कर देंगे और इसको फ्राई होने के लिए थोड़ी देर ढक देंगे। इतना ही आलू इसमें लिया है, इसको फ्राई होने के लिए इसको ढक देंगे। बस तब तक मैं यहाँ पे चावल ले ली हूँ। इसको यहाँ पे हम चावल ले लिए हैं। ये है मेरा मेजरिंग ग्लास है, जितना चावल लूँगी उतना ही उसका डबल पानी लूँगी, ताकि कुकर में पूरा मतलब परफेक्ट होगा। 3 सीटी लगा देने से ये मेरा परफेक्ट राइस बन जाती है। और यहाँ पे मैं छोड़ दी हूँ इसको, तब तक मैं ये वाली मसाला भी तैयार कर लूँगी। यहाँ पे मैंने मसाले पे लिया है ये टमाटर जो हाफ कट के रखी थी, और अदरक, इतना ही अदरक लिया है मैंने, आधा ले ली हूँ और आधा यहाँ पे है, और थोड़ा सा आपका जीरा और ये एक बड़ी सी मिर्ची है। इसको हम अभी ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे हमारा कुकर ऑलमोस्ट सीटी दे चुका है और 1 सीटी के बाद हम इसको बंद भी कर देंगे। इधर मेरा मसाला बन के रेडी है, और ये है हरा धनिया, इसको छोटे छोटे पीस में कट के रखती हूँ। और ये गैस में मतलब ऑलमोस्ट सीटी लग चुका है दाल में, इसको हम बंद कर देते हैं कुकर को। इस साइड हम चेक कर लेंगे ये ठीक से हुआ है कि नहीं। ये भी अच्छा होने वाला है। इसमें हम पाउडर मसाला ऐड कर देंगे। पाउडर मसाला मतलब जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर, उसके अलावा यूज करते हैं फ्राई में। ये आप अगर जीरा पाउडर अगर फ्राई में ऐड कर देते हैं तो इसका खुशबू बहुत ही अच्छा आता है। और मिर्ची पाउडर तो ऐसे बिना मिर्ची का सब कुछ ज़्यादा अधूरा लगता है, इसीलिए हम इसको ऐड कर देते हैं। तो अभी गैस का फ्लेम को जरा हाई करके इसको बनाने से सही रहेगा। ऑलमोस्ट होने वाला है, ऑलमोस्ट होने वाला है। अब हमारा भिंडी फ्राई ऑलमोस्ट हो चुका है, हो गया है। उसको हम निकाल के कढ़ाई को साफ कर देंगे ताकि हम दूसरा सब्जी भी बना सकें। कढ़ाई साफ हो चुका है और गैस से सीटी भी नहीं निकला है। तब तक हम ये बना लेते हैं पापड़। और ये है बड़ी, ये है उड़ीसा की एक फेमस डिश है। इसका रेसिपी, ये बड़ी मैं खुद से ही बनाई हूँ। इसका रेसिपी भी मैं शेयर करूँगी आपके साथ, पर अब नहीं कर सकती हूँ क्योंकि अभी बारिश का मौसम है। जब थोड़ा धूप होगा, ये धूप में सूखेगा, सूखने के लिए इसको टाइम लगता है। धूप में अच्छे से नहीं सूखेगा तो नहीं होगा अच्छे से। तो मैं आप लोग के साथ और भी शेयर करूँगी, पर अभी इसको फ्राई कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा। अभी कढ़ाई में हम तेल डाल दिए हैं, इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। तो उसको डीप फ्राई करना है, तो डीप फ्राई करने से वो अच्छा लगता है। और ऐसे सब्जी में भी इसको डाल सकते हैं, थोड़ा सा आलू मिला के इसको भी सब्जी बना सकते हैं। आलू बैंगन ड्रमस्टिक के सब्जी में भी ये अच्छा लगती है, मतलब बहुत अच्छी लगती है। तो अब हमारा तेल गर्म हुआ है कि नहीं, थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं। गर्म हो रहा है तो इसको छोड़ देते हैं अभी, क्योंकि ये अगर ज़्यादा गर्म हो जाएगा तेल, ये जल जाएगा। और
कलर से, ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा तो जल जाएगा, इसको ऐसे ही। गोल्डन ब्राउन हो चुका है पर कैमरा में गोल्डन ब्राउन नहीं दिख रहा। मैं बन गया, अभी हम पापड़ भी बना लेते हैं। थोड़ा सा ही पहले ही सारा बना रहे हैं, आप लोग देखिए, देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप तेल वेल कंट्रोल करना भी चाहेंगे तो भी इसमें इस रेसिपी आपको काम नहीं आएगा। हर चीज़ में मैं कम कम तेल ऑयल यूज़ करती हूँ। बस हमारा पापड़ भी बन के तैयार है। अभी हम ये मसाला को अच्छे से भून लेंगे, पापड़ को निकाल देंगे और मसाला को भून देंगे। यहाँ से मैं और भी तेल निकाल लेती हूँ क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि तेल ज़्यादा हो जाएगा। इसको निकाल के रख देती हूँ। फिर इसमें हम जीरा, तो हम पेस्ट में लिए थे, इसमें तड़का के लिए थोड़ा सा ही जीरा डालते हैं। फूरन वगैरह भी डाल सकते हैं पर मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए मैंने बस जीरा में काम चला लेती हूँ। फिर अब हम ये मसाले डालेंगे। अच्छे से भून लेते हैं, मसाला को अच्छे से भून लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक। नमक आपको ध्यान से डालिएगा क्योंकि उसमें भी हम बॉईल करते वक्त डाले थे, ये बस मसाले के लिए डालना है। इसमें मैं बिना प्याज लहसुन का बना रही हूँ तो इसमें हम हींग थोड़ा सा डाल देंगे, हींग का अच्छा फ्लेवर आता है इसमें, तो इसको हम फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। पूरा धीमी आंच में इसको करना है क्योंकि वो मसाला जल जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इधर हमारा कुकर भी सीटी छोड़ चुकी है, अब हम वहाँ से निकाल देंगे। ये कुकर से हम लोग निकाल लिए हैं, हमको सूखी सब्जी बनानी थी तो इसीलिए हम बस थोड़ा सा ही पानी मिलाए थे, तो थोड़ा सा देखिए ये पूरा मतलब परफेक्ट हो गया है। हम अभी प्रेशर कुकर में अभी हम चावल लगा देंगे, चावल से ये वाला पानी निकाल देते हैं। बस पानी निकल गया, हम इसमें पीने का पानी ऐड कर देंगे। अभी पीने का पानी नहीं थी, बस मुझे मेजरमेंट पता नहीं चलेगा तो इसीलिए मैं उसको निकाल भी दी। और अभी हम जितना चावल लिए थे उसका डबल ही अभी लेंगे पानी, बस पानी भी क्वांटिटी सेम, क्वांटिटी अच्छा हो गया। यहाँ पे देखते हैं मसाला के, मसाला का क्या हाल है। यहाँ पे मसाला भी लगभग होने वाला है और इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर अच्छा से डाल देंगे और अब इसको थोड़ा सा भून के फिर ये ऐड कर देंगे, हमारा हरे धनिया ऐड कर देंगे। हम इसको ऐड कर देते हैं,
बहुत अच्छा खुशबू आ रही है मसाला से। और इसको हम अभी सब्जी ऐड कर देंगे, बॉइल्ड वेजिटेबल्स। हमारा बन गया सब्जी, गैस को बंद कर देते हैं। आप चाहो तो गरम मसाला भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हो, गैस बंद करने के बाद भी ऐड करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं डाल देती हूँ, भूल गई थी उसको डालना, थोड़ा सा ही बस, क्योंकि इसमें मसाले ज़्यादा डालने का ज़रूरत भी नहीं है। बस मैं प्याज लहसुन का नहीं बना रही हूँ, इसीलिए थोड़ा सा वही टमाटर का ज़्यादा यूज़ की हूँ, तो ज़्यादा मसाले इसमें यूज़ होने का ज़रूरत नहीं है। फिर हम इसको निकाल देते हैं और कढ़ाई को साफ होने के लिए बेसिन में रख देते हैं। साफ करेंगे थोड़ी देर में, ठंडा हो जाएगा तभी कढ़ाई को साफ कर लेंगे, ताकि हमारा किचन भी साफ हो जाएगा और ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी खाते, मतलब खाने के बाद साफ करने का टेंशन नहीं रहेगा उतना। अब हमारा राइस का सीटी ऑलमोस्ट पहुंच चुकी है, और अभी हम, जैसे मैं बोला था कि इसमें दाल में हमको तड़का लगाना है, और दाल से हम ये सब्जी सारा निकाल लिए हैं दीदी के लिए, और बस डाल लिए हैं। अभी हम घी का तड़का लगाएंगे दाल में, इसलिए हम लिए हैं इतना घी, लिए हैं 1 स्पून, लगभग 1 स्पून घी लिए हैं, इतना ही काफ़ी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा तेल हो जाएगा नहीं तो। फिर ज़्यादा गर्म नहीं होने देंगे, और इसमें हम डालेंगे एक मिर्च और थोड़ा सा जीरा, उसको ज़्यादा सारा खाना ऑलमोस्ट बन के रेडी है। पापड़ है, ये बड़ी है, और भिंडी फ्राई है, सब्जी है, और ये दाल है। थोड़ी देर में मैं खाना लगा थाली लगाने वाली हूँ, वो भी शेयर करूँगी आप सबके साथ। सो फ्रेंड्स, हम लोग का थाली भी अब लग चुकी है, और ये थी आज की डिनर की रूटीन, और हम फिर मिलूंगी आपके साथ में मेरी नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन, बाय बाय।